नमस्कार, नवजीवन बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस घंटे की चार बड़ी खबरों के साथ मैं अजहर अली आपके सामने हाजिर हूँ। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आज सुबह एक भीषण हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 40 अन्य लोग घायल हैं। सभी घायलों को आगरा के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बस में सवार ज़्यादातर लोग बिहार के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक सवारियों से भरी एक बस बिहार से जयपुर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान माइलस्टोन 27 के पास बस ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई, जिससे बस अनियंत्रित हो गई और ये बड़ा हादसा हो गया। जम्मू कश्मीर के बडगाम के करालपुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ खत्म हो गई है। एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया है, आतंकवादी का शव भी बरामद कर लिया गया है। हालांकि इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। जापान के ओसाका में सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और ट्रंप के बीच व्यापार को लेकर अहम चर्चा हुई। इस द्विपक्षीय बैठक में मुख्य रूप से 4 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें ईरान, 5G, रक्षा और द्विपक्षीय संबंध शामिल थे। इस दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में मिली जीत के लिए बधाई भी दी। मुंबई में भारी बारिश के बाद जहां एक तरफ गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर पानी भरने की वजह से दिक्कतें भी बढ़ी हैं। मुंबई में पारा गिरकर 27 डिग्री पहुंच चुका है। भारी बारिश की वजह से अंधेरी, धारावी, वसई, कांदीवली, बोरीवली समेत कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है, जिस वजह से सड़कों पर भारी जाम की स्थिति बन गई है।